हेलो और वेलकम, स्वागत है आपका करण सर फार्मा क्लासेस में। और आज के इस वीडियो के अंदर आज हम कुछ डिस्कशन करेंगे। थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि मैं आज बात करने वाला हूं कि क्यों फार्माकोलॉजिस्ट की आज बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है हमारे समाज के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए। और साथ ही साथ इससे आप ये भी समझ पाएंगे कि क्यों फार्माकोलॉजी अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और वो स्टूडेंट जो कि फार्माकोलॉजी को पढ़ना चाहते हैं, उसमें एम फार्मा करना चाहते हैं, उसमें रिसर्च वर्क करना चाहते हैं, वो भी इस डिस्कशन के माध्यम से ये चीज़ समझ पाएंगे कि क्यों फार्माकोलॉजी अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और ह्यूमन मैन काइंड के लिए, खासकर मानव सभ्यता के लिए फार्माकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और इसमें इसको पढ़ना और इसमें ग्रोथ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारी सोसाइटी के लिए भी। और अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फार्माकोलॉजी को बेसिकली अगर एक छोटे फॉर्म में हम समझने की कोशिश करें तो फार्माकोलॉजी क्या है। फार्माकोलॉजी के अंदर हम ये देखते हैं कि जब हम किसी ड्रग को लेते हैं तो हमारी बॉडी ड्रग में कैसे रिएक्ट करती है, और हमारी जो ड्रग है वो बॉडी पे कैसे रिएक्ट करती है, मतलब ड्रग का एक्शन बॉडी के ऊपर और बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है ड्रग को, ये सारी चीज़ें हम फार्माकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। देखिए, अगर फार्माकोलॉजी अगर ना होता तो इसके बारे में सोचिए, अगर फार्माकोलॉजी जो सब्जेक्ट है, जो ब्रांच है, अगर ये ना आ पाती तो आप सोच सकते हैं कि क्या एलोपैथिक ड्रग्स जो कि केमिकल्स होती हैं, प्योर केमिकल्स होती हैं, क्या इनका डेवलपमेंट हो पाता। क्योंकि अगर हमको फार्माकोलॉजी के बारे में नॉलेज नहीं है, हमको ये अगर ये पता ही नहीं होता कि ये जो केमिकल्स हैं जब ये हमारे शरीर में जाएंगे तो ये कैसे रिएक्ट करेंगे, इनका डोज क्या होगा, इनका साइड इफेक्ट क्या होगा, इनके एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको फार्माकोलॉजी के थ्रू ही पड़ी। और उसी के बाद फिर ये एलोपैथिक जो ब्रांच है, जो हमारी ड्रग्स हैं, ये डेवलप होना स्टार्ट हुई। अगर फार्माकोलॉजी अगर ना होता और हमको ड्रग्स के एक्शन के बारे में, उनके इफेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं होता तो ये एलोपैथी ब्रांच कभी आगे बढ़ ही नहीं पाती। हमको पुरानी जो टेक्निक्स है, और देखिए जितनी भी पुरानी पद्धतिज भी हैं, पद्धतियां हैं जो ड्रग्स के रिलेटेड हैं, चाहे वो आयुर्वेदा हो, होम्योपैथिक ड्रग्स हो, ये इनके अंदर भी हम फार्माकोलॉजी को पढ़ते हैं। बट यहाँ पर जो हमारी एलोपैथिक ड्रग्स हैं, ये तो प्योर की प्योर केमिकल्स होती हैं, और अगर हम विदाउट फार्माकोलॉजी इन्फॉर्मेशन के अगर इन ड्रग्स को ले लेंगे तो ये अपने आप में एक पॉइजन बन जाएंगी। तो आप समझ सकते हैं कि विदाउट फार्माकोलॉजी हम एलोपैथिक ड्रग्स के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, इनका डेवलपमेंट तो बहुत दूर की बात है। और जब फार्माकोलॉजी से रिलेटेड हमको पूरी इन्फॉर्मेशन जब किसी ड्रग की मिल जाती है, तभी जाकर हम किसी ड्रग का इफेक्टिव और सेफ डोज डिज़ाइन कर पाते हैं। विदाउट फार्माकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन हम किसी भी ड्रग का सेफ और इफेक्टिव डोज डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे जहाँ पर मैंने फार्माकोलॉजी से रिलेटेड हिस्ट्री के बारे में बताया है, पूरी पुरानी हिस्ट्री भी मैंने आपको बताई है, और जो अभी मॉडर्न डेवलपमेंट हुआ फार्माकोलॉजी के अंदर, वो कौन लोग थे और उनका क्या क्या योगदान है फार्माकोलॉजी के ऊपर, ये सारा मैंने उस वीडियोज़ के अंदर बताया है। अगर आपको वीडियो देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनके लिंक दे दूंगा, आप जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, और वहाँ पर आप फार्माकोलॉजी के हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं और उनसे जुड़े हुए लोगों के बारे में भी जान सकते हैं। तो चलिए हम वापस आते हैं। जब 1920 में फार्माकोलॉजी का पूरी तरीके से डेवलपमेंट हो चुका था, ये एक ब्रांच के रूप में एस्टेब्लिश हो चुकी थी और दुनिया को इसका इंपॉर्टेंस पता चल गया था, और फार्माकोलॉजी के माध्यम से जब हमको सभी ड्रग्स के इफेक्ट्स जो कि हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, उनके इफेक्ट, उनके इफेक्टिव डोज के बारे में जानकारी मिल गई थी, उनके साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट के बारे में जानकारी मिल गई थी, और वो किसके थ्रू मिली, फार्माकोलॉजी के थ्रू मिली, तब जाकर फिर ड्रग्स का डेवलपमेंट 1920 के बाद स्टार्ट हुआ और नए नए डोज और नई नई ड्रग्स इंट्रोड्यूस होना स्टार्ट हुई। और साथ ही साथ यहाँ पर जो फार्माकोलॉजिकल जो कंपनीज है, जो फार्मा इंडस्ट्रीज है, इनका भी डेवलपमेंट 1920 के बाद ही हुआ, क्योंकि तब तक ये जो ब्रांच थी, खासकर एलोपैथिक ड्रग्स वाली जो ब्रांच थी, ये अनसेफ मानी जाती थी, और दुनिया में ज़्यादातर ये जो एलोपैथिक ड्रग्स थी ये पॉपुलर भी नहीं थी, क्योंकि ये अपने साइड इफेक्ट की वजह से, क्योंकि प्योर केमिकल है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो जब 1920 में फार्माकोलॉजी जो डिपार्टमेंट है या जो ये ब्रांच है पूरी तरीके से एस्टेब्लिश हो गई, और उसके बाद फिर हम जब ड्रग के सेफ और इफेक्टिव डोज को डिज़ाइन करना हमने स्टार्ट किया, तब जाके फार्मा कंपनीज फार्मा जो इंडस्ट्रीज हैं या जो एलोपैथिक ड्रग्स हैं, इनका प्रोडक्शन होना स्टार्ट हुआ, और कई फार्मा कंपनीज 1920 के बाद डेवलप हुई और इंट्रोड्यूस हुई। और साथ ही साथ जब आप एक फार्माकोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है और ये ब्रांच है और इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, जब ये एस्टेब्लिश हो जाता है, तब जाके जो हमारी एलोपैथिक ड्रग्स हैं उनमें स्टेबिलिटी आई, और उनके बाद फिर जो अब नई नई टेक्निक्स डेवलप हो रही है, नई नई थेरेपीज डेवलप हो रही हैं, नए नए डोजेस फॉर्म डेवलप हो रहे हैं, ये तभी डेवलप हो पाएंगे जब आप फार्माकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन आपकी पक्की हो, उसके ऊपर आप पूरी तरीके से काम कर चुके हों, तब जाके आप एक नई स्टेप लेते हैं और एक नई ड्रग की टेक्निक या थेरेपी पे आप काम करते हैं। एग्जांपल के लिए जो आज नई नई थेरेपीज जो डेवलप हो गई हैं और जो मार्केट में इंट्रोड्यूस हो रही हैं, उनके नाम हैं कंप्यूटर असिस्ट ड्रग डिज़ाइन, जो कि हम मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, जेनेटिक स्क्रीनिंग,
प्रोटीन इंजीनियरिंग, नोवल ड्रग डिलीवरी व्हीकल्स, इसके अंदर आते हैं वायरस और आर्टिफिशियल सेल्स। और ये तभी डेवलप हो पाई जब हमने फार्माकोलॉजी के ऊपर सिस्टमेटिक वे में काम कर लिया और सभी ड्रग्स के ऊपर एक इन्फॉर्मेशन गेन करी। बेसिकली फार्माकोलॉजी अगर आपने देखा हो तो कोई भी ड्रग जब डेवलपमेंट की स्टेज में आ जाती है, कोई भी नया डोजेज फॉर्म जब हम बनाते हैं, कोई भी नई ड्रग डेवलप करते हैं, तो उसके क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। सबसे पहले वो एनिमल्स के ऊपर होते हैं और फिर ह्यूमंस के ऊपर होते हैं। इन सभी क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर हम ड्रग्स रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं, लेते हैं और इन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ही हम ड्रग के डोजेस फॉर्म को डिज़ाइन करते हैं, एक सेफ और इफ़ेक्टिव डोज को हम डिज़ाइन करते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन ना हो और हम डायरेक्टली, मतलब बिना एग्जांपल, अगर आपके दिमाग में एक बार आप सोच भी लो कि अगर फार्माकोलॉजी अगर ना होती और ये क्लिनिकल ट्रायल्स अगर ना होते और डायरेक्ट ड्रग डेवलप होने के बाद मार्केट में चली जाती, जो उस समय हुआ भी है जब फार्माकोलॉजी डेवलप नहीं थी तब ऐसा हुआ भी है, और उस समय कई ब्लंडर इफ़ेक्ट्स हुए हैं, कई लोगों की जाने गई हैं, जिससे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि उस समय इसीलिए फार्माकोलॉजी, खासकर ये जो एलोपैथिक ड्रग्स थी, ये इसी लिए ज़्यादा लोग उस समय नहीं लेते थे। तो यहीं पे हम ये वीडियो कंप्लीट करते हैं। इस वीडियो को बनाने का मेरा बेसिक मकसद, ये उद्देश्य यही है कि मैं आपको ये बता पाऊँ कि आज क्यों हमारी सोसाइटी में एक वेल क्वालिफाइड फार्माकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, जो हमारी सोसाइटी में ड्रग के इफ़ेक्ट को बता पाएँ, ड्रग के डाटा हमारी सोसाइटी से कलेक्ट कर पाएँ, जिससे कि उन डाटास की हेल्प से, उस इन्फॉर्मेशन की हेल्प से ड्रग के सेफ और इफ़ेक्टिव डोज को डिज़ाइन किया जा सके। तो आप समझ सकते हैं कि देखिए, ज़्यादातर स्टूडेंट में से क्वेश्चन पूछते हैं कि फार्माकोलॉजी के बाद हमारी कैसी जॉब लगेगी, बट आप ये समझिए कि एज ए फार्माकोलॉजी पढ़ने के बाद आप सोसाइटी में कितने ज़्यादा काम आ सकते हैं। आप सोसाइटी में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ड्रग्स रिलेटेड जानकारियां लोगों को दे सकते हैं, जिससे कि लोगों को भी ड्रग्स रिलेटेड जानकारियां मिल पाएंगी, ड्रग को कैसे लेना है, उनका इफ़ेक्ट क्या होता है और आपको किस तरीके से ड्रग को हैंडल करना है, ये सारी जानकारियाँ एज ए फार्माकोलॉजिस्ट आप लोगों में दे सकते हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि ये सोच रहे होंगे कि सर हम तो बी फार्मा कर रहे हैं, हमको एम फार्मा में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही कोलॉजी में हमको जाना है। बट अगर आप बी फार्मा कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप अपने फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट को बहुत सिस्टमेटिक वे में पढ़िए, नोट्स बनाइए और कोशिश कीजिए कि ये जानकारी आप सोसाइटी को भी डिलीवर कर पाएँ बहुत ही ईजी और सिंपल वे में, क्योंकि जिस वे में हम पढ़ते हैं उस वे में तो आप उनको डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो इसको थोड़ा ईजी वे में आप अगर सोसाइटी को डिलीवर कर पाएंगे तो इससे आपके प्रोफेशन का ही फ़ायदा होगा और आपके पढ़ने का आपको भी फ़ायदा होगा कि मैंने अगर ये डिग्री करी है तो इससे मैं सोसाइटी के भी कुछ काम आ रहा हूँ। इसीलिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, वहाँ पर आपको फार्माकोलॉजिकल लैब जरूर मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर कंटिन्यूसली ड्रग के इंट्रेक्शंस के बारे में, ड्रग के एक्शन के ऊपर रिसर्च होता रहता है। समय समय पर वो पेशेंट से जो नई ड्रग या नई ड्रग थेरेपीज जब इंट्रोड्यूस की जाती है मेडिकल कॉलेजेस के अंदर या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर, तो वहाँ पर जो फार्माकोलॉजिस्ट होते हैं वो पेशेंट्स के ब्लड्स में ड्रग के एक्शंस को देखते हैं, ड्रग के इफेक्ट को देखते हैं, और ड्रग जब कोई भी थेरेपी अगर पेशेंट के ऊपर चल रही है तो उसके क्या इफेक्ट हो रहे हैं, उसके क्या एडवर्स इफेक्ट हो रहे हैं, उसके साइड इफेक्ट क्या हो रहे हैं, इन सभी को वो नोट डाउन करते हैं, इनसे वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जिससे कि ड्रग के सेफ डोज और इफेक्टिव डोज को डिज़ाइन करने में काफ़ी हेल्प होती है। तो आप समझ सकते हैं, और इसीलिए हम, अगर आप समझ रहे हो कि केवल बी फार्मा के स्टूडेंट फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं है। जो MBBS जो डॉक्टर्स जो MBBS करते हैं वो भी फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं, यहाँ तक कि जो BDS डेंटल रहते हैं, डेंटिस्ट होते हैं, वो भी फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं, वेटनरी डॉक्टर्स भी फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अपने आप में फार्माकोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। साथ ही साथ भारत सरकार के जितने भी बड़े रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पर भी फार्माकोलॉजी से रिलेटेड एक डेडिकेटेड लेबोरेटरीज हैं, जहाँ पर नए नए ड्रग्स के डेवलपमेंट्स के ऊपर काम हो रहा है। तो अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फार्माकोलॉजी हमारे फार्मा सेक्टर का। तो ये वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टाइप की वीडियोस और बनाऊं, तो नीचे कमेंट बॉक्स पे आप उन टॉपिक्स को मेंशन कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में मैं उन टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं और यूँ ही बने रहिए मेरे साथ।